हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप किसी एक्सेल फाइल में रखे हुए डेटा को सेव करना चाहते हैं और पीडीएफ में करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टूल्स का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं और वहां पर आपके डेटा का लॉस हो जाना या फिर आपके डेटा का लीक हो जाना, ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या कोई एक्सेल में ही ऐसा पीडीएफ का ऑप्शन है? तो आप जब भी एक्सेल की फाइल को सेव करें तो अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल पे गए, सेव एज किया, चूंकि पहले से सेव है तो मैं सेव एज कर रहा हूँ और यहाँ से आपको, चूंकि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है, आप जो भी लोकेशन चूज करेंगे उसी के हिसाब से ये सेव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के और यहाँ पर वापस से मैं डेस्कटॉप करता हूँ और ये नीचे आएंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो हमें इसमें क्या चूज करना है? इसमें हमें चूज करना है पीडीएफ। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ है क्या इसमें, ये देखिए ये पीडीएफ दिया हुआ है, यहाँ पर जाइए और अब इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करने वाला हूँ। तो ये डेस्कटॉप पर हमने कर दिया सेव। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पीडीएफ में ओपन होगा। तो देखिए ये पीडीएफ बन चुका है, ये ऑलरेडी ओपन भी हो गया है, तो ये पीडीएफ भी बन गया है। तो अभी अगर हम वापस आते हैं तो ये हमारी पीडीएफ फाइल थी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम फाइल खुलते हुए आपके सामने नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी के साथ एक्सेल फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। ओके।